तृणमूल कांग्रेस नेता के विरोध में कल्याण भाजपा महिला मोर्चा द्वारा निषेध मोर्चा। कल सुबह 11 बजे कल्याण भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र उर्फ नाना सूर्यवंशी की अगुवाई में कल्याण भाजपा महिला मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहान की तस्वीर को चप्पल मारकर उनका निषेध किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहान ने महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हुए उन पर अत्याचार किए हैं, मगर वहाँ की ममता बनर्जी की सरकार कोई कार्रवाई करने की बजाय खामोश है। भाजपाइयों ने ममता बनर्जी की भी आलोचना करते हुए उन पर तृणमूल कांग्रेस के नेता को बचाने का आरोप लगाते हुए उनका भी निषेध किया है। इस मोर्चे में जिलाध्यक्ष नाना सूर्यवंशी के अलावा रेखा चौधरी, प्रेम नारायण महात्रे, संतोष होलकर, प्रिया शर्मा, वैशाली पाटिल, प्रीति दीक्षित आदि उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के माध्यम से कल्याण जिला और कल्याण पश्चिम मंडल की ओर से यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल स्थित है वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के अनन्वित अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर वो कर रहे हैं उसके खिलाफ और उसको जो शह ममता बनर्जी दे रही उसको जो अभय ममता बनर्जी दे रही उनके खिलाफ आज महिला मोर्चा ने यह आंदोलन छेड़ा है। जो शाहजहां शेख है उन्होंने गए अनेक सालों से महिलाओं के ऊपर अनन्वित अत्याचार किए हैं। किसी की जमीने या किसी की जो लैंड है वो लैंड माफिया है और कई तरह के अत्याचार करते हैं। उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको उसकी जान गंवानी पड़ती है और ऐसा नेता तृणमूल कांग्रेस का है जिसको आज ममता बनर्जी वहाँ अभय देके उसको कहीं भी उसको कोई तकलीफ न हो इस तरह की वहाँ की परिस्थिति है और उसके खिलाफ ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता महिला मोर्चा आज रास्ते पे उतरा है। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है और इसका उनको खामियाजा लोकसभा के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। और आज जो अत्याचार शाहजहां शेख कर रहा है उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है, इसलिए हम ममता बनर्जी का निषेध करते हैं।